हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिक के साथ फ्लोरल डिजाइंस कैसे बनाएं। तो पहला फ्लावर बनाने के लिए हम एक सीधी लाइन लेंगे और उसमें एक वेवी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो वेवी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसके फिर से दो पार्टीशन करेंगे नीचे की साइड से, और दो पार्टीशन करने के बाद हम फिर उसको वेवी लाइन ड्रॉ करके उसको एक फ्लोरल की डिज़ाइन देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे नीचे के तीन पेटल्स तैयार हो जाएंगे। ये थ्री पेटल्स तैयार होने के बाद हम ऊपर से फिर दो पार्टीशन करेंगे। इससे पहले हम एक फ्लावर की डिज़ाइन बनाएंगे कि जो कि हमें उसका फ्लावर का इफ़ेक्ट देगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसके फ्लावर की बीच वाली जो डंडी होती है वो बना ली है। इसके बाद हम ऊपर से सिर्फ दो पेटल्स ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम फ्लावर में शेडिंग स्टार्ट करेंगे। हमको छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाने हैं ऊपर से लेके बीच तक। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं किसी स्ट्रोक बना रही हूँ, ऐसे ही हमें छोटे छोटे से स्ट्रोक बनाने हैं। इससे हमारा फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखेगा। आप सारे पेटल्स को ऐसे ही स्ट्रोक करेंगे, फिर हम उसके बॉर्डर्स को बहुत ब्रॉड बनाएंगे। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए कि मैं किस स्ट्रोक बना रही हूँ। और स्ट्रोक बनाने के बाद हम इसके बॉर्डर को ब्रॉड करेंगे, इससे कि वो फ्लावर और भी अच्छा दिखेगा और अट्रैक्टिव दिखेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर रेडी हो गया और वो कितना अच्छा और ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। इसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रिक के साथ लोटस डिज़ाइन कैसे बनाएं। आप सब लोगों को मालूम है कि आजकल लोटस की डिज़ाइन कितनी ट्रेंड में चल रही है और सब लोग अपने मेहंदी में लोटस बनाते ही हैं, तो ये बहुत कॉमन डिज़ाइन हो गया है। तो हम इसको भी सीखेंगे कि ट्रिक के साथ कैसे बनाएं और आसानी से कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें चार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है उसके पार्टीशन के लिए। फिर हमें थर्ड लाइन तक हमें एक साइड से आधा कर्व बनाना है और दूसरे साइड से आधा कर्व बनाना है। जो हम पहला पेटल बनाएंगे उसे हमें बड़ा बनाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं उसका एक पेटल बना रही हूँ, वो पेटल हमें बड़ा बनाना है और नीचे तक लेके आना है। उसके बाद का पेटल उससे भी छोटा बनना चाहिए और उसके बाद का पेटल उससे भी थोड़ा छोटा। ऐसे हम तीन पेटल्स बनाएंगे और अगली दूसरी साइड से भी हम वैसे ही तीन पेटल्स ड्रॉ करेंगे कि जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से हमारी ऊपर की डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। नीचे की डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहले सेंटर में एक सर्कल छोटा सा ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट लोटस के नीचे, और उसके बाद हम उसके तीन पत्तियां निकालेंगे। पहली बीच वाली पत्ती थोड़ी सी बड़ी और साइड्स की पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी बननी चाहिए। जैसे कि मैं निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने तीन लीव्स ड्रॉ की है। और फिर हम उसको उस लोटस को शेडिंग करेंगे और उसके बॉर्डर्स को ब्रॉड करेंगे कि वो भी हमारा पहले की फ्लावर की तरह अट्रैक्टिव दिखे। तो मैं आपको शेडिंग करके बता रही हूँ कि शेडिंग कैसे करनी है। शेडिंग के लिए हल्के हल्के स्ट्रोक्स आप मारिए, फिर शेडिंग होने के बाद उस लोटस को ब्रॉड कीजिए कि आप वीडियो में आगे देखेंगे कि मैं शेडिंग कैसे कर रही हूँ।
और उसके बॉर्डर्स को ब्रॉड करेंगे। इस तरह से हमारा लोटस भी तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि लोटस कितना अच्छा लग रहा है। दोनों भी फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।